आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर तय किया है। इन्होंने करियर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से की, लेकिन वहां पर इतनी सक्सेसफुल हुई कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्हें ऑफर्स आने लगे। ये ब्यूटीफुल हैं, हॉटनेस के मामले में किसी भी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दे। बॉलीवुड में इन्होंने फरेब और आ अब लौट चले जैसी फिल्मों में काम किया है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, सुमन रंगनाथन की। सुमन रंगनाथन की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सुमन रंगनाथन पर ये इल्जाम लगा कि उनका अफेयर तो उनके कजन से चलता है? क्यों सुमन के करियर पर हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ हावी रही है? और कैसे सलमान के दोस्त ने कहा कि सुमन ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी? सुमन रंगनाथन कर्नाटक से है, बैंगलोर में पली बड़ी है, खूबसूरत शुरुआत से ही थी, फीचर्स अच्छे थे, हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। यही कारण था कि कॉलेज के तुरंत बाद वो मॉडलिंग में चली गई और मॉडलिंग के टाइम पर भी वो इतनी सक्सेसफुल और इतनी पॉपुलर हो गई कि उन्हें फिल्मों तक पहुंचने में कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हालांकि उनकी शुरुआत जो है वो साउथ इंडस्ट्री से हुई थी। उन्होंने शुरुआत की एक कन्नड़ा फिल्म से और वहीं से वो नोटिस होने लगी, जिसके बाद शंकर नाग ने CBI शंकर में उन्हें कास्ट किया। एक से दूसरी, दूसरी तीसरी फिल्म मिलती गई। इस तरह से सुमन रंगनाथन साउथ इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा हो गई। क्या तेलुगु, क्या तमिल, क्या कन्नड़ा, क्या मलयालम, सभी फिल्मों में सुमन काम करने लगी। 96 में पहली बार सुमन रंगनाथन नजर आई थी एक बॉलीवुड फिल्म में। फरेब फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में फराज खान, मिलिंद गुनाजी और सुमन रंगनाथन थी। फिल्म का गाना ये तेरी आंखें झुकी झुकी 90s का पॉपुलर सॉन्ग बना और आज भी ये गाना लोगों को काफी पसंद आता है। और यहीं से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सुमन रंगनाथन नोटिस होने लगी। इसी दौरान ऐश्वर्या राय की फिल्म आई थी आ अब लौट चले, जहां फरेब को मुकेश और महेश भट्ट ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म आ अब लौट चले से ऋषि कपूर साहब ने, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उन्होंने एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया था। फिल्म में ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना, इनफैक्ट राजेश खन्ना साहब भी थे। फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी और तब फिल्म के काफी चर्चे भी हुए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट कुछ खास नहीं था। ये 2000 में सुमन रंगनाथन की एक फिल्म आई थी एक स्त्री। इस फिल्म के टाइम पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। सुमन रंगनाथन का कहना है कि फिल्म का जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने कई सारे ऐसे सीन्स जो सुमन फिल्म में करने के लिए तैयार नहीं थी, वो बॉडी डबल को यूज करके शूट कर लिया और पोस्टर पर भी जो फोटो है वो उनकी बॉडी डबल का ही है। हम तुम्हारे हैं सनम, और फिर उसके बाद सुमन रंगनाथन को मिली उनकी सबसे बड़ी फिल्म बागमा, जिसमें वो बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई और इस फिल्म में भी उनके रोल को काफी पसंद किया गया। जहां एक तरफ सुमन रंगनाथन जो कि साउथ की सुपरस्टार थी, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो सेकेंड लीड या सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आ रही थी, अच्छा कर रही थी, नोटिस में भी हो रही थी, उसी दौरान जितना नोटिस उनका काम होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ हो रही थी। एक के बाद एक सुमन रंगनाथन के रिलेशनशिप में फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे थे और जैसे ही उनका ब्रेकअप होता था तब मीडिया में काफी खबरें आती थी। कहा जाता है कि जिस वक्त सुमन रंगनाथन अपने मॉडलिंग डेज में थी, तब वो फरहान अख्तर को डेट कर रही थी। फरहान अख्तर उनसे छोटे थे, उनकी उम्र 23 साल थी, सुमन उनसे उम्र में कई ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद फरहान अख्तर अपने आप को सुमन के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए। जिस वक्त ये दोनों रिलेशनशिप में थे, तब फरहान अख्तर एक क्लोज रिलेशनशिप चाहते थे, वहीं सुमन जो है वो काफी ओपन माइंडेड थी, वो बंद के नहीं रह सकती थी, काजा चिड़िया की तरह थी। यही कारण है कि फरहान की इनसिक्योरिटीज बढ़ी, फरहान सुमन को किसी और के साथ ज्यादा खुश नहीं देख पाए। फरहान अख्तर के बाद सुमन रंगनाथन का नाम जुड़ा आशिकी फेम राहुल रॉय से। जी हाँ, कुछ समय के लिए राहुल रॉय को भी सुमन ने डेट किया, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने राहुल रॉय से भी ब्रेकअप कर दिया। हालांकि आज दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट हाँ, रिश्ता वो नहीं है। राहुल रॉय से ब्रेकअप के बाद सुमन रंगनाथन की लाइफ में आए उरू पटेल। उरू पटेल से भी उनका रिश्ता कुछ समय चला, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। उरू जहां क्लोज रिलेशनशिप चाहते थे, वहीं सुमन रंगनाथन एक फ्री गर्ल थी, वो किसी की बंदिश में नहीं रह पाती थी। यही कारण है कि दोनों में झगड़े होने लगे। इनफैक्ट इन दोनों का ब्रेकअप इतना गंदा था कि जहां एक तरफ सुमन ने उरू पर साइको होने का और मेल शॉविनिस्ट होने का इल्जाम लगाया, वहीं उरू ने सुमन रंगनाथन की जो बातें थी उन्हें रिकॉर्ड कर दी थी और बाद में उन बातों
बातों को मीडिया में भी बताया। उरू से ब्रेकअप होने के बाद सुमन की जिंदगी में आए गौतम कपूर, जिन्हें प्यार से गोमजी भी कहा जाता है, और वो एक डिजाइनर थे। गौतम से सुमन की इतनी जबरदस्त बनी कि उन्होंने गौतम के साथ सेटल होने का डिसाइड कर लिया। सुमन अपनी लाइफ पर उस स्टेज पर थी कि रिलेशनशिप्स बहुत हो गए, अब फाइनली मुझे शादी ही करनी है। तब सुमन रंगनाथन ने गौतम से शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी भी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाई और गौतम कपूर से सुमन रंगनाथन का डिवोर्स हो गया। सुमन एक बार फिर से अकेली हो गई, अपना करियर और अपनी पर्सनल लाइफ इसके साथ ही बॉलीवुड की पार्टीज में जाया करती थी। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई सोहेल और सलमान के बहुत अच्छे दोस्त, इनफैक्ट सोहेल की प्रोडक्शन कंपनी में उनके पार्टनर बंटी वालिया से। बंटी वालिया से मुलाकात के कुछ ही दिनों में बंटी और सुमन ने शादी कर ली। जहां सुमन खुद एक डिवोर्सी थी और कई सारे उनके रिलेशनशिप्स रह चुके थे, वहीं बंटी वालिया खुद भी एक डिवोर्सी थे, 40s में थे। बंटी वालिया अब सीरियसली सेटल होना चाहते थे और सुमन भी उनके लिए काफी सीरियस थी, इसीलिए ये 2005 में बंटी और सुमन दोनों ने शादी कर ली। शादी का एक ग्रैंड रिसेप्शन रहा, बॉलीवुड के कई लोगों ने इस रिसेप्शन में शिरकत की और इसके तुरंत बाद सुमन रंगनाथन बॉलीवुड की एलीट क्लब का हिस्सा बन गई थी। बंटी वालिया सिर्फ सलमान के ही नहीं बल्कि संजय दत्त के भी बेहद क्लोज फ्रेंड है। लेकिन सुमन से शादी करने के कुछ ही समय बाद बंटी वालिया को साफ साफ दिखाई दे गया कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है। जो बंटी वालिया एक सेटल्ड लाइफ चाह रहे थे, वो तो देख रहे थे कि उनकी वाइफ काबू में ही नहीं है। शादी के एक साल बाद ही बंटी ने सुमन के लिए डिवोर्स फाइल कर दिया। वो सुमन को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते थे। इसका रीजन उन्होंने मीडिया में खुलकर बताया। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ के कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। पहला अफेयर जो उन्होंने बताया कि एक डिस्टेंट कजिन था सुमन रंगनाथन का, जो कि सुमन के फादर के डेथ पर आया था, उस कजिन से सुमन कुछ ज्यादा ही क्लोज है। उसके साथ नाइट पार्टीज, कॉफी पर जाना, हमेशा फोन पर उसी से लगे रहना, ये कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा ओवर और अजीब लग रही थी, जिससे बंटी जो कि खुद एक बच्चे नहीं थे, उन्हें साफ समझ आ रहा था कि उनकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस शक के कारण ही बंटी वालिया ने सुमन रंगनाथन के फोन कॉल्स की बिलिंग लिस्ट निकलवाई, जिससे साफ क्लियर हो गया कि सुमन रंगनाथन ने अपने उस कजन के नाम पर कितने फोन किए हैं और उस कजन से सिर्फ भाई का ही रिश्ता है या फिर रिश्ता उससे आगे है। सिर्फ कजिन पर ही नहीं बल्कि बंटी वालिया ने बताया कि सुमन का उनके जिम ट्रेनर से भी अफेयर है। सुमन की कॉल डिटेल से पता चला कि एक महीने के अंदर उन्होंने अपने उस ट्रेनर से 34 घंटों तक बात की है, जो कि बहुत ज्यादा थे। इस बीच में बंटी वालिया कहते हैं कि एक फिल्म फेस्टिवल था जहां पर मैं सुमन को साथ में लेकर गया कि कुछ अच्छा टाइम हम साथ में स्पेंड कर लेंगे, लेकिन वहां से भी सुमन अपने उस ट्रेनर से ही बात करती रही। अपने उस अजीब से कजन और अपने ट्रेनर का जो ऑब्सेशन था, वही सुमन रंगनाथन के डिवोर्स का कारण बना। बंटी वालिया ने यह भी बताया कि सुमन रंगनाथन को जब उन्होंने कन्फ्रंट किया, उनको फोन बिल्स दिखाए और जब उनसे पूछा कि आखिर ये कजन से तुम्हारा रिश्ता क्या है, ट्रेनर से इतनी क्यों बात हो रही है, तो सुमन ने बिना कुछ जवाब दिए अपने बैग पैक किए और बंटी का घर छोड़कर चली गई। जहां एक तरफ किसी का घर टूटता है तो दिल भी साथ में टूटता है। बंटी सोच नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हुआ, अब कब वो घर सेटल करेंगे, 40 पार ऑलरेडी वो हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें पता लगता है कि सुमन ने बंटी का घर छोड़ने के अगले ही दिन शो किया, पार्टी की और उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। बंटी ने जब तलाक की अर्जी दी तो सुमन रंगनाथन ने एलिमनी के रूप में 2 लाख रुपए मंथली एक्सपेंसेस मांगे, एक कार मांगी और पाली हिल वाला फ्लैट मांगा, जो बंटी ने देने से बिल्कुल मना कर दिया। बंटी ने यह कह दिया कि मेरी डेथ भी हो जाएगी तो भी ये चीजें मैं सुमन को नहीं दूंगा। कुछ इस तरीके से बहुत बुरा इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इसके बाद सुमन रंगनाथन कहीं गायब सी हो गई। हालांकि उन्होंने अपना काम जारी रखा था साउथ इंडस्ट्री में, सुमन रंगनाथन के लिए काम बहुत था, काम की कमी उन्हें कभी भी नहीं हुई। इसी बीच एक खबर ये भी आई थी कि एक मोहन नाम के आदमी से सुमन रंगनाथन ने शादी कर ली है और उनसे उनको एक बेटी भी है। और तब यह खबर आई थी कि मोहन के साथ भी सुमन रंगनाथन की मैरिड लाइफ में ट्रबल आ रहा है। उन्होंने मोहन के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर दिया है और मोहन से उन्हें जो बेटी हुई है रमनिका, उसको लेकर वो अपने पेरेंट्स के घर आंध्र प्रदेश चली गई है। कोर्ट में जब ये मामला सामने आया तो सुमन ने डिवोर्स का कारण बताया कि उनका जो पति है
वो नामर्द है। तब इस न्यूज को काफी मीडिया ने कवर किया था, लेकिन मोहन से सुमन की शादी की इंफॉर्मेशन बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है। हाल ही में खबर आई थी 2019 में सुमन रंगनाथन ने एक बार फिर से शादी कर ली। इस बार उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी की है, साजन चिन्नप्पा जिनका नाम है। कॉफी का इनका बिजनेस है, कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं और अब सुमन साजन के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही है। सुमन 45 प्लस है, आज भी वो बेहद खूबसूरत लगती है। वो चाहती तो बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय कर सकती थी, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को वो टक्कर दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर उनकी पर्सनल लाइफ काफी हावी थी। इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने मल्टीपल रिलेशनशिप्स के लिए जानी जाती है। पूजा भट्ट का भी काफी नाम हुआ था और पूजा बेदी का भी काफी नाम रहा और उन्हीं में से एक है सुमन रंगनाथन। सुमन रंगनाथन की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद आती है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।